BYD E-Max 7 कह सकते हो E6 का एक अपग्रेडेड वर्जन या कह सकते हो नया जनरेशन। अब 7 और E6 E7 मैक्स मतलब सब चीज ज्यादा, मतलब अब आपको एक्सटीरियर में ज्यादा चीजें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ज्यादा प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर में ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी ज्यादा रेंज मिल जाएगी और थोड़ी ज्यादा पावर भी आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखोगे, देखो फ्रंट फेस अगर आप देखोगे तो वही सेम ड्रैगन फेस डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, और जो E6 है उसके मुकाबले ज्यादा एंगुलर, ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। यहाँ पर आपको क्रिस्टल डायमंड फ्लोटिंग आपको हेडलाइट देखने को मिल जाती है, LED है, LED DRL देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप फ्रंट फेस देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक के साथ ये देखने को मिलता है। जो कैमरा इंटीग्रेट किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा तो देखने को मिलता है। बाकी BYD और नीचे की तरफ थोड़ा बहुत क्रोम भी आपको देखने को मिल जाता है। E-Max 7 अब E6 के मुकाबले थोड़ी सी ये ज़्यादा लंबी हुई है, और साथ ही साथ इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी ऊंची हो गई है। और अगर आप व्हील बेस देखेंगे तो व्हील बेस सेम उतना ही मिल जाता है, यानी कि 2800 mm का। और साइड में अगर आप अलॉय व्हील्स देखते हैं, इनका जो डिज़ाइन देखते हैं, ये वाकई आपको पसंद आएगा। 17 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको खूबसूरत डिज़ाइन वाले अलॉयज ऑफकोर्स मिलते हैं। बाकी अगर आप ओवरबीम्स देखेंगे, साथ ही रूफ रेल्स देखेंगे, और साथ ही साथ जो सी पिलर है वो आप देखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने के साथ साथ स्पोर्टी भी नज़र आता है। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल पर, और अगर आप रियर प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, और साथ ही साथ प्रीमियम डिजाइन वाली LED लाइट्स। अब ये जो LED टेल लाइट है, इनका डिजाइन तो आपको पसंद आएगा ही आएगा, साथ ही साथ यहाँ पर BYD E-Max 7 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और BYD यहाँ पर लिखा ही गया है। अब 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है, तो साइड में तो दो कैमरे, फ्रंट में एक और रियर में भी आपको एक मिल जाता है। हर जगह जो कैमरे हैं ना वो काफ़ी अच्छे से प्लेस किए गए हैं, काफ़ी क्लीन इंटीग्रेट किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, और नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्रोम की फिनिशिंग है नीचे, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है इस गाड़ी में। बाकी इसका अगर आप बूट ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, जो कि E6 में नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर काफ़ी वर्सेटाइल सीट्स मिल जाती हैं। बेसिकली ये जो सीटें हैं आप इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड तो ईजिली कर सकते हैं, बाकी फ्लैट फोल्ड हो जाती है। अगर आप इन्हें बिल्कुल फ्लैट फोल्ड करना चाहते हो तो ये देखो कि किस तरीके से ये प्रॉपर फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टूल किट्स वगैरह यहाँ पर रखी गई हैं, और बाकी इसमें स्पेयर व्हील आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी इस गाड़ी के साथ नॉर्मल टायर इन्फ्लेटर एंड पंक्चर किट ऑफर कर रही है। खैर, आपकी क्या राय है कि इसके साथ स्पेयर व्हील मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे ही। बाकी चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है। BYD E-Max 7 के अगर आप इंटीरियर में आओगे, खासकर फ्रंट रो वाली सीटों पर, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ बिल्कुल नई देखने को मिल जाएगी। देखो डिज़ाइन वाइज तो आपको पूरी की पूरी नई देखने को मिलती है, लेकिन इंटीरियर में भी अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें नई देखने को मिल जाएगी। डैशबोर्ड आपको पूरा नया मिल जाएगा, स्टीयरिंग व्हील आपको पूरा नया मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, MID यूनिट, और ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको 12.8 इंचेस का मिलता है, और जिस तरीके से पहले मिल रहा था ना आपको हॉरिजॉन्टल, और उसे इस तरीके से वर्टिकल कर लो, लेकिन अब ना आपको यहाँ पर बटन दे दिया जा रहा है, आप बटन से भी इसे इलेक्ट्रिकली इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। बाकी इसी में ही आपको तमाम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो फ्रंट सीट है वो वेंटिलेटेड हैं, और उनके फंक्शंस भी आपको इसी में ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से भी इस तरीके से इसे टच करके वर्टिकली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर IRVM मिल जाता है, लेकिन ये ऑटो डिमिंग नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सेंटर कंसोल है, यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ दो फोन आप रख सकते हो, लेकिन वायरलेस चार्जिंग पैड एक ही है। और यहाँ पर जो गियर नॉब है ये पूरी तरह नया दे दिया है, और यहाँ पर कुछ बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रीजन के बटन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मोड्स के बटन आपको यहाँ मिल जाएंगे, 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, जो कि पहले भी E6 में मिल रहे थे। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी इसी में है, टाइप ए USB पोर्ट है, और ये जो आर्मरेस्ट है इसे आप आगे पीछे नहीं खिसका सकते, ये फिक्स्ड है। सीट्स जो है वो आपको ठीक ठाक कंफर्ट के साथ देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये वाली जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन इस तरीके से रख सकते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड पर जो टेक्सचर है थोड़ा सा बढ़िया मिल जाता है, वुडन ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप अच्छे खासे स्टोरेज स्पेस के साथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्रॉपर आपको पैनोरामिक ग्लास रूफ दे दी गई है। E6 में आपको कोई भी सनरूफ, कोई भी ग्लास रूफ देखने को नहीं मिल रही थी, और वहाँ पर कस्टमर्स शिकायत कर रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी में अगर कुछ इस तरीके का फीचर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब कंपनी ने सुन लिया, और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी फिक्स पैनोरामिक ग्लास रूफ दे दी है। हालांकि सनरूफ नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक ब्लाइंड कर्टेन भी मिल जाता है, मतलब जैसे आप बंद या
खोल सकते हैं। बाकी यही सारी चीजें जो कि आपको देखने को मिलती है, चलते हैं रियर सीट्स पर। BYD E-Max 7 के रियर सीटों पर आओगे, खासकर सेकंड रो वाली सीटों पर, तो यहाँ पर ये 6 सीटर लेआउट वाला वेरिएंट है, तो ऐसे में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। अब ये जो कैप्टन सीट्स हैं कितनी ज़्यादा आरामदायक है, आप ऐसे देख लो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे पर्याप्त लेग स्पेस मिल रहा है। हालांकि मैं इन सीटों को आगे पीछे की तरफ मूव भी कर सकता हूँ। अब ये सबसे पीछे मैंने खिसकाई हुई है, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर लेग रूम की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। हालांकि हेडरूम पर्याप्त है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है। थोड़ा लंबा व्यक्ति कोई बैठेगा यहाँ पर तो हो सकता है उसे थोड़ा सा इशू हो। खैर, सुविधाओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिंगल जोन ही क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये की गई है कि यहाँ पर फैन स्पीड के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी टाइप सी, टाइप ए यूएसबी पोर्ट्स और फोन वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पर छोटी सी ट्रे भी मिल जाती है। बाकी बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी विंडोज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो विंडोज़ ऑटोमेटिक रोल डाउन और रोल अप देखने को मिल जाती हैं। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ये 6 सीटर लेआउट वेरिएंट है, 7 सीटर में भी कंपनी ऑफर कर रही है। पहले क्या हो रहा था कि E6 जो है वो सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट के साथ ही आ रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे काश ये 6 सीटर लेआउट के साथ आती तो और ज़्यादा उन्हें प्रीमियम फील होता। अब चलते हैं थर्ड रो वाली सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। तो थर्ड रो की सीटों पर जाने के लिए आप ईजिली सेकेंड रो से इस तरीके से वॉक करके भी जा सकते हैं, और यहाँ पर जो स्पेस मिलेगा आपको देखने पर साफ पता चल रहा होगा कि एडल्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बच्चे आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, 2 बच्चे इजीली यहाँ पर बैठ जाएंगे, और साथ ही उनके लिए यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं वाटर बॉटल रखने के लिए। लेकिन अगर फीचर्स की कमियाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी यूएसबी पोर्ट्स या टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है कि अगर उन्हें अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज करना है तो वो यहाँ पर कर सके। मुझे लगता है कंपनी को ये चीज़ भी देने की ज़रूरत थी। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर 2 लोग यहाँ पर पीछे की तरफ बैठते हैं। हालांकि बेस्ट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर थर्ड रो वाली सीटों पर एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो क्वार्टर ग्लास है वो भी आपको अच्छे खासे साइज के साथ देखने को मिलता है। BYD E-Max 7 को 2 वेरिएंट्स में उतारा गया है। पहले जो E6 आ रही थी वो सिंगल वेरिएंट में आ रही थी, अब आपको ये प्रीमियम और सुपीरियर 2 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। और जो कीमत रखी गई है वो शुरुआती कीमत है 26.90 लाख रुपए एक्स शोरूम, जो कि जाती है 29.90 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। अब 6 सीटर 7 सीटर दोनों ही लेआउट में आती है। 2 बैटरी पैक आपको देखने को मिलते हैं, जो प्रीमियम है उसमें आपको मिल जाता है 55.4 किलोवाट आवर, जो कि रेंज देती है 430 किलोमीटर तक सिंगल चार्ज पर। बाकी इसमें जो सुपीरियर वेरिएंट है उसमें आपको 71.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, और उससे आपको रेंज मिल जाती है 530 किलोमीटर तक सिंगल चार्ज पर। पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो लगभग 201 BHP और 310 Nm टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल किया है, E6 से ही BYD में ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में जो ब्लेड बैटरी है वो ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। बाकी ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी BYD की नई E-Max 7, और हाँ E6 कंपनी बंद कर देगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।